झारखंड में चल रहा भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, आजसू पार्टी, सबकी अपनी अपनी अलग राय है। ऐसे में क्या सोचते हैं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, बातचीत की हमारे ब्यूरो प्रदीप पाठक ने। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश को। आज हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता जी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के बहुत सारे बातें आ रही है, अब इनकी क्या राय है इस पर, भाषा विवाद पर क्या कहना चाहेंगे? भाषा विवाद ला करके सरकार ने एक नया विवाद झारखंड में पैदा कर, अभी यहाँ पर विस्थापन आयोग नहीं बना, विस्थापन नीति नहीं बना और स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना। झारखंड के लिए सबसे जरूरी है विस्थापन नीति बनाना, लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। 22 बरस हो गया झारखंड आज अलग हुए, लेकिन अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। बार बार हेमंत सोरेन जी बोलते हैं विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, तुरंत जल्द करेंगे, जल्द कब होगा पता नहीं। 2 साल पहले जब चुनाव हो रहा था उसमें कहा था विस्थापन। अभी हर जगह आप देख रहे हैं भाषा विवाद, बोकारो हो, विशुनगढ़ आपका क्षेत्र है, सभी जगह रैलियां निकल रही है और लोग इस पर सभी राजनीतिक। मैंने कहा कि भाषा विवाद ला करके नया जमेना झारखंड में खड़ा हो गया, तो आप किस पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पक्ष उच्च की बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, वहाँ बाप दलों ने बैठक किया, मैं ही बैठक बुलाया था, दूसरे भी कुछ दल के आए थे, हमने बैठक करके मुख्यमंत्री से मांग किया है कि भाषा विवाद को हल करने के लिए सब दलीय बैठक बुलाओ और सबों से राय लो, सबों से राय के लिए बने, और फिर हमारी जो स्थानीय भाषा है उसका पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको कैसे लागू करें सब, चाहे आदिवासी है, संथाली है, वो है, ये आपका नगपुरिया है, गोरठा है, जो भाषा है भले इसका उत्थान होना चाहिए, इसके होता है और तब ये और दूसरे भाषाओं के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने उन भाषाओं को मजबूत करने के बजाय एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी तुरंत ही संसदीय बैठक बुलाइए और इस समस्या का समाधान। हवाई दिल्ली हस्तित दर्शकों के लिए अपना परिचय आप बता दें। मैं भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सीपीआई का अध्यक्ष, सीपीआई का स्टेट सेक्रेटरी। इनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके ही इस विवाद का अंत किया जा सकता है। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के लिए मैं प्रदीप पाठक।